फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 या 102 को देखेंगे। और 102 में हम क्या देख रहे थे, यानी कि हम देख रहे थे पुस्तक चयन के स्रोत, यानी कि आज हमें पुस्तक चयन के स्रोतों में भारतीय प्रकाशकों के बारे में, यानी कि भारतीय जो आपके इंडियन पब्लिशर हैं उनके बारे में हमें पुस्तक चयन के स्रोतों के रूप में देखना था। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज क्या है, यानी कि यूनिट नंबर 2 देखनी है हमें, लेसन नंबर 6 का आगे का पार्ट देखना है और ये आज आपका चैप्टर ख़त्म हो सकता है और कल आपके इसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। क्योंकि देखिए, इस चैप्टर में हमने, यानी इस चैप्टर की कहानी सारी हमने पहले पढ़ ली थी 5 चैप्टर में, ठीक है। फिर हमें क्या, यानी कि हमें क्या मिला, स्रोत कैसे, कहाँ से हम स्रोतों को जुटा रहे हैं, किस तरह से हम स्रोतों को ले रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमें चुनना है। अब आती है इसमें कहानी हमारी कौन कौन सी आती है, भारतीयों की, यानी भारतीय प्रकाश लिखिए यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 6 भारतीय प्रकाशनों के लिए पुस्तक चयन के स्रोत पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है, स्रोत पढ़ना है। अब हमने जब इतनी सारी बात पढ़ ली थी कि यानी कि हमने स्रोतों के बारे में पढ़ लिया था, स्रोतों के चयन के बारे में पढ़ लिया था और कहीं ना कहीं आपको मुद्रित और अमुद्रित दोनों चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था, स्रोत कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम चल रहे थे क्या ना, हम आ गए थे इंडियन पब्लिशर के बारे में, यानी भारतीय प्रकाशनों में चयन करने के लिए उनके स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने का एक मुश्किल कार्य होता है। क्यों मुश्किल कार्य है, क्योंकि प्रकाशन विभिन्न स्रोतों का और विभिन्न क्या है, जैसे आपकी मान के चलिए एक इंडियन पॉलिटिकल की किताब है या फिर एक जीके किताब है, सीधे सीधे से एग्जांपल से समझिए, जीके किताब है या फिर करंट की किताब है, आप कहते हो, यानी कि करंट की 1000 पब्लिशर किताब निकालते हैं, ये मान के चलिए 1000 पब्लिशर, हज़ारों के हज़ारों पब्लिशर किताब निकालते हैं, यानी हिंदी में भी निकाल रहे हैं, इंग्लिश में भी निकाल रहे हैं, और मान लीजिए हिंदी में क्या है, 100 पब्लिशर या 200 पब्लिशर एक किताब निकाल रहे हैं, आपको क्या है, चुनने की बात आएगी। यानी कि आप क्या करोगे कि एक पब्लिशर को चुनोगे भाई कि मुझे उसकी किताब चाहिए, मुझे लूशन की किताब चाहिए, मुझे, यानी जैसे आजकल मार्केट में कोई भी मान लीजिए आप XYZ किसी की किताब चाहिए, तो यानी कि पब्लिशर बहुत हो गए। अब विभिन्न पब्लिशरों को हम क्या करेंगे, जब हम भारतीय दौर में, यानी कि भारतीयों में इसमें प्रकाशकों में इतनी सारी चीज़ें आ रही, अब आपको क्या है चुनना, यानी कि आपको क्या करना है, पुस्तकों को चुनना है कि पुस्तक चुन के अपने लाइब्रेरी में लेके आनी है। तो आपके पास क्या हो गई, एक डिफ़िकल्टी हो गई, क्या हो गई, एक डिफ़िकल्टी हो गई, और इसलिए कहीं ना कहीं कुछ जो चुनिंदा प्रकाशन है, यानी कि जैसे कि आपका NBT है, क्या है NBT, यानी कि जैसे भारतीय पुस्तक चयन के स्रोतों में अध्ययन करने के लिए कुछ बेस्ट सोर्सेज या कुछ बेस्ट स्रोत जो हैं और कुछ जो वेबसाइट हैं जो कहीं ना कहीं प्रकाशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप क्या करते हो कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, ये ट्रस्टेड क्या है, पब्लिशर है, जैसे आजकल क्या है मैगरा हिल माना जाता है या बहुत सारी इस तरह के जो प्रकाशन है, NBT है, NCERT आप अच्छा मानते हो, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उन प्रकाशन को चुनते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्रोत के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले नंबर आता है आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से आपके, यानी कि भारतीय
पुस्तकों के चयन स्रोतों के अध्ययन करने और उनका निम्न स्रोतों के अध्ययन यानी कि महत्वपूर्ण होंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण होंगे, उसमें क्या है, इंडियन नेशनल बिबलियोग्राफी माना जाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय के रूप में एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय के रूप में माने जाते हैं। ये क्या करता है, ये देश के जो हमारा देश है उसमें अंग्रेजी और भारतीय संविधान की स्वीकृति और अन्य भाषाओं में प्रकाशित होता है, किसमें यानी कि 22 लैंग्वेजों में सारों में प्रकाशित होता है। इसके क्या है, यानी कि इसमें आपकी जो पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, जो सार्वजनिक पुस्तकालय के अधिनियम 1954 में आपके अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में पुस्तकालय, बंगाल, अंग्रेजी, कन्नड़, ये सारी की सारी भाषाओं में क्या होता है, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड की एक तरह से लिस्ट जारी होती है, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर के जो प्रकार यानी प्रकाशन सूची में सम्मिलित नहीं होता है और होता है। देखो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको कि ये क्या कर रहा है, एक ग्रंथ सूची रिकॉर्ड को संचय कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक चीज़ आ रही है कि सूची को लेके यानी कि आ रही है, और दूसरा आता है इसके अंदर कि कौन सी नहीं आती, जैसे मानचित्र आता है, ये इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। टेक्स्ट बुक आती है, कुंजी आती है, गाइड आती है, ये इसके अंदर नहीं, आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो आपके धरोहर हैं उनके क्या है, आंकड़े हैं, उनको छोड़कर ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। फिर आपको क्या है, इसकी कहीं ना कहीं एक तरह से चीज़ क्या है, ये क्या है, आपके पुस्तकालय को कोलोन क्लासिफिकेशन योजना के अनुरूप इसे व्यवस्थित रखा जाता है। किसके अनुरूप रखा जाता है, कोलोन क्लासिफिकेशन के अनुरूप रखा जाता है। फिर आपका आ जाता है, इसके अंदर हमें पढ़ना है, नेक्स्ट है वो है इंडेक्सिंग इंडियन। तो इसमें क्या है, ये क्या होता है, ये भारतीय भाषाओं की धरोहरों में साहित्यिक यानी अनुसंधान के एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंदर क्या है, यानी कि इसका प्रथम आंक यानी जो अंकता यानी कि प्रथम अंक 1977 में क्या करा गया के रूप में त्रिमासिक के रूप में निकाला गया। कब निकाला गया, 1977 में। फिर आई इसकी बात 1981 में से वार्षिक रूप से प्रकाशित करा गया था, और प्रारंभिक चरण में 6 भाषाओं में, बंगाल, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयाली में इसको क्या करा गया था, लाया गया था। किस में लाया गया था, 6 भाषाओं में। कब लाया गया था, 1981 में, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछे तो, ठीक है। फिर क्या करता है, ये आपके इंडेक्सिंग जो होती है ये 3 भागों में बटा होता है। वर्गीकरण भाग, कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। पहला कौन सा है, वर्गीकृत भाग। दूसरा कौन सा है, विषय अनुच्छेद। तीसरा कौन सा है, लेखक अनुच्छेद। तो ये कहीं ना कहीं आपको जानने की बात आती है। फिर आगे चलते चलते ये क्या हुआ, एक तरह से खंड प्रकाशन में इसे 6 भाषाओं में, जैसे बंगाल ली हो गए, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, मलयालम, तमिल, 1992 से 1998 तक प्रकाशन किया गया, और इसके श्रृंखला में शेष खंडों के शीघ्र प्रकाशन होने का आशय दिया गया। यानी कि भाई 22 लैंग्वेज और क्या है, हम औरों में भी लेके आएंगे। फिर आती है इसके बाद इसी के अंदर यानी भारतीयों के अंदर ही चल रही है, फिर आते हैं इंडियन बुक इन प्रिंट। अब इंडियन बुक इन प्रिंट आया आपका, इंडियन बुक्स इन प्रिंट, इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, दिल्ली से प्रकाशित हुई, और ये क्या हुआ, 1976 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। लगभग 70,000
भारतीय प्रकाशन हुए और जो कि प्राप्त किए गए और इसकी सूचीबद्ध किया गया, यानी कि भारतीयों के बारे में हमने क्या कर रहा चल रहा है। अब भारतीयों के बारे में हमने क्या कहा कि भाई जो सूचियाँ, देखो दिन पे दिन किताबें आती जा रही हैं, आपने एक चीज़ पढ़ी, दिन पे दिन किताबें आती जा रही हैं, हमें कौन सी चुननी है, लाइब्रेरी को बेस्ट किताब चुननी है। ऐसे जी की किताब है भाई, बेस्ट किताब चुनेंगे। पॉलिटिकल किताब है, बेस्ट किताब चुनेंगे। लाइब्रेरी किताब है, बेस्ट किताब चुनेंगे। तो वही कहानी आपकी कि चल रही है, ठीक है। फिर आ जाती है, एक रिपोर्ट आती है इंडियन बुक रिपोर्ट। अब एक बात कहूँ, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, जो ये आप पढ़ रहे हो आज का टॉपिक, एक तरह से ये आपके थ्योरी एग्ज़ाम में कभी भी काम नहीं आएगा, ठीक है। इससे ऊपर का जो हमने पहले पढ़ा है वो जरूर काम आएगा स्रोतों के बारे में, पर ये का आपका काम एक तरह से कभी मैक्सिमम मान के चलिए, अगर बिल्कुल ही एक तरह से बेला हुआ और या फिर उसे क्या है कोई क्वेश्चन बनाना ही ना हुआ तब आपको दे सकता है, ठीक है। वैसे नहीं तो ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। पर आपके जीवन में आपको पता होना चाहिए किस तरह से इंडियन सोर्सेस चल रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी क्या है, यानी कि रिपीटरी की बात आई, और इसमें क्या है 1965 में गुड़गांव से प्रकाशित हुआ, और इसमें क्या हो, ग्रंथ के लेखक, शीर्षक, विषय संबंधित सारी, उसके अनुवर्ग क्रम, सारी की सारी बात एक मानसिक अंक में एक वार्षिक खंड के रूप में सूचीबद्ध करी गई, किसमें, आपका इंडियन बुक रिपोर्टर में, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इसके बाद एसोसिएशन लिस्ट इन इंडिया। ये कहाँ से हुई, ये आपकी नई दिल्ली से कहीं ना कहीं US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कार्यक्रम, ठीक है। तो ये बात आपको देखने के लिए मिली। इसमें क्या हुआ, यानी कि सारे लेखों के अंतर्गत और उसके खंडों के अंतर्गत उसकी कहीं ना कहीं एक सूची तैयार करी गई, और कहीं ना कहीं इसमें भी, यानी कि जैसे वाले में काम किया गया, और इसमें भी आपका कहाँ से, यानी कि US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के एक तरह से भारतीय ग्रंथ मासिक सूची के तौर पर चीज़ें तैयार की गई, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है लास्ट आपका बन जाता है एन नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसमें आ गया, और ये कहाँ पे, यानी नई दिल्ली में साहित्य के प्राइवेट संस्था के रूप में एक तरह से 1962 में प्रकाशित हुए। इसके अंदर आपको अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं चार पांच आपको मैं बता देता हूँ इसके अंतर्गत श्रृंखला कौन सी है या फिर एक तरह स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर वन आपको आ जाता है BEPI, ये क्या है, एनुअल है, एनुअल दिल्ली DK ट्रस्ट के अंदर आपको देखने के मिलेगा। फिर आपका आ जाता है रीसेंट इंडिया बुक 1975, ये आपके क्या है, क्वार्टरली नई दिल्ली FEBAI के अंदर। फिर आपकी आ जाती है, एक दो और लिख लीजिए, इंडियन बुक बाई HD शर्मा 1971, ठीक है। इंडियन प्रेस इंडेक्स विद इंडियन रिव्यू सप्लीमेंट्स 1968, और आपके लिख लीजिए हिंदी ग्रंथ सूची पटना सिन्हा लाइब्रेरी 1952। तो ये सारे के सारे आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। इसके बाद आ जाती है लास्ट पॉइंट आपको बचता है भैया आपका विदेशी प्रकाशकों में पुस्तक चयन की बात। भाई देखो, यहाँ पर भी वही बात है, हमने क्या पढ़ा, सारा का सारा पुस्तक चयन के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, तो हम पुस्तक चयन में कहीं ना कहीं भारत की किताब, आपको क्या है लाइब्रेरी में भारत की किताब के साथ विदेशी किताब भी मिल रही है, और विदेशी किताब आपको क्या है जो मिल रही है वो आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। भाई आप इंडियन ऑथर भी पढ़ रहे हो, और क्या है फॉरेन ऑथर भी पढ़ रहे हो, और फॉरेन ऑथर के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या है उसके पुस्तकों का चयन भी करना पड़ेगा। अब पुस्तक चयन कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट भी रहेगा, तो ये आपके चीज़ों का ध्यान में
रख के करा जाता है। जैसे हम क्या है फॉरेन में ऑथर के भाई उस ऑथर की किताब ले लो या उस पब्लिशर की किताब ले लो जो आपके इम्पोर्टेंट आएगी, तो फिर वहीं पर वही पुस्तक चयन में क्या आएगा, हम क्या करेंगे सूची तैयार करेंगे। और सूची किससे तैयार होगी आपकी, जैसे कि आपका हो गया ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी लंदन की जो आ रही है सूची, या फिर उसके आप लिख लीजिए लंदन की जो सूची है यानी कि इज लैब बुक लिस्ट लंदन, ये कब आ रही है 1935 मंथली आपकी चल रही है। और ये क्या करती है, ये विज्ञान एवं तकनीक के विषय में संबंधित लगभग 70 पुकों की मानसिक तालिका होती है, और इसमें कहीं ना कहीं आपके शीर्षक लेखक की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई, किताब मिल गई और कहीं ना कहीं ठीक है। तो फिर इसके बाद आती है आपकी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी लंदन 1950, तो वो भी क्या कर रही है सूची तैयार कर रही है, तो सीधे मान के चलो। और ये क्या है 22 संस्करण, एक तरह से DDC 22 संस्करण के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे इसकी सारी चीज़ें ठीक है। आपका मार्क 21 है क्या, मार्क 21 के रिकॉर्ड के तौर में आपको देखने को मिलेगा। बुक इन प्रिंट इसमें क्या मिलेगा, बुक इन प्रिंट बर्कर न्यू यॉर्क, ये क्या कर रही है यानी कि अमेरिका में प्रकाशित नवीन प्रकाशकों की सूची बंद किया जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है नवीन प्रकाशकों की सूची बंद किया जा रहा है। तो इस तरह से चलते हम क्या करेंगे सारे के सारे आपके बहुत सारे आपके दिए गए हैं, जैसे कि आपका न्यूयॉर्क का हो गया, लंदन का हो गया, ब्रिटिश हो गया, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं सूची हमें दे रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट किताबें आपको प्राप्त करा रहे हैं। अब आती है पुस्तकालय यानी कि आपके समसामयिक की आ गई, और इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे आपको देखने मिले, एटलस हो गई, पिक्चर्स हो गई, CD हो गई, आपके ये मान के चलिए कार्टोग्राफिक संग्रह हो गया जो मटेरियल है। अगर एक शब्द में कह दूँ भाई कि आप क्या कर रहे हो, ये आपने आपका घर है, ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बताता हूँ इसे छोड़ दो ठीक है। ये किताबी भाषा चल रही थी अभी तक, अब आप सुनो, ये आपका घर है भाई, आप क्या है, ये आपके बड़े भाई है और ये आप हो ठीक है। आपने क्या कहा यानी कि दोनों क्या कर रहे हो भाई, एक क्या करता है हिंदुस्तान का सामान लेता है, वो क्या करता है हिंदुस्तान के सारी चीज़ों को चुन चन के लेता है, एक क्या कर रहा है बाहर के सारे सामानों को चुन चन के ले रहा है, एक दोनों क्या कर यानी कि फिर इन्होंने क्या करा भाई, हिंदुस्तान का भी कुछ सामान ले लो और क्या है भारत का भी क्या है अपने घर के लिए बाहर का भी सामान ले लो। जैसे मान के चलिए आपने फ्रिज बाहर की कंपनी का ले लिया, ज़्यादा ऐसी जैसे BPL WPL पहले आते थे, आपने ऐसे चुन चुन के बाहर का भी सामान रखा है और आपने देश का भी सामान रखा, बेस्ट रखा है। ऐसी क्या है आपकी लाइब्रेरी में क्या करता है, जो बाहर के पुस्तकालय के सूची से आपने बेस्ट बुक निकाल ली, अपने यहाँ के बेस्ट पुस्तकें निकाल ली, तो क्या है सूची से निकाल रहे हो, और किससे निकाल रहे हो ऐसी आपका क्या ठीक है, ऐसी आप क्या कर रहे हो, ऐसी आप अपने घर के लिए कर रहे हो और ऐसी आप लाइब्रेरी कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं आपके चल रहे हैं स्रोतों के रूप में ठीक है। चलिए ये चैप्टर था आपका छोटा सा कंप्लीट हो गया है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, थैंक यू।